लर्निंग ऐप है कि बच्चा खेलते खेलते मतलब सीखेगा अपनी पढ़ाई मैथ्स एंड साइंस एंड इसका सबसे बड़ा फीचर है कि वो स्कॉलरशिप जो है दैट इज़ फॉर 1 करोड़ पहली और भी बहुत सारी हैं जो आप मतलब वो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एंड आइडिया इज़ टू रिमोट से रिमोट एरिया तक हम बच्चे तक वो एजुकेशन पहुँचा पाएँ और बहुत ही प्राइस बहुत कम रखा गया है इसका इसीलिए सो दैट यू नो एवरीबडी कैन अफोर्ड इट व्हाट वाज योर रिएक्शन जब इस ऐप के बारे में आपको मालूम पड़ा कि बच्चन साहब भी हैं इसमें एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन प्रवीण त्यागी इज वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइंड तो मैं काफ़ी पहले से जानता हूँ इस ऐप पे जब से काम चल रहा है और वही है जैसा मैंने कहा कि इसके पीछे आइडिया है कि ग्राउंड लेवलिंग की जो हम बात कर रहे हैं कि एक बच्चा जीडी सुमानी स्कूल की बात हम कर रहे थे और एक आदिवासी स्कूल में जो बात कर रहे हैं वो उसको हम उस लेवल पे ले आएँ कि कोई वो गैप नहीं है यू नो अगर वो बच्चा होशियार है तो व्हाई नॉट मतलब ही शुड बी यू नो देयर जहाँ उसको पहुँचना चाहिए बट रिसोर्सेज नहीं होते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो बच्चा वहाँ तक नहीं आ पाता है तो इसके पीछे आइडिया वो है कि हम उस बच्चे तक पहुँचें और हम उस बच्चे को वहाँ से लेके आए और उसको उस जगह पे जगह उसकी जगह बनाने की कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ के वो काबिल है जहाँ पर वो यू नो विजय जी इसी के साथ में अगर पर्सनल की बात करिए तो जिस तरीके से आपने अपने बचपन में ये टेक्नोलॉजीज को कितना मिस किया है किन किन प्रॉब्लम्स का सामना आपने किया है चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं मतलब टाइम एक जैसा रहता नहीं है अभी चीज़ें बहुत बदल गई हैं आज ये टाइम है आज टेक्नोलॉजी का टाइम है हमारे समय में नहीं था मतलब आई बॉर्न इन 70s तो इट्स डिफरेंट और हर समय की अपनी खूबियाँ होती हैं उसकी कुछ यू नो बैकड्रॉप्स होते हैं कई सारी चीज़ें हैं आज ये टाइम है और तो इस टेक्नोलॉजी का बच्चे को फ़ायदा उठाना चाहिए विच इज़ द आइडिया दैट यू नो कि सबके पास आज सब टेक्नोलॉजी इतनी हावी है तो वाई नॉट उसके थ्रू हम उसको एजुकेट भी कर पाएँ और एजुकेट उस तरीके से कि वो उसे लगे ही ना कि वो एक्चुअली पढ़ाई कर रहा है उसे लग रहा है वो खेल रहा है वो खेलते खेलते सीख रहा है और सीखते सीखते वो कमा भी रहा है सो एक्चुअली इससे होगा क्या कि इसकी रीच वहाँ तक हो सकती है जैसे हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं कि स्कूल्स इतने नहीं हैं टीचर्स उतने नहीं हैं बट मोबाइल सब जगह है यू नो
तो हम इसके थ्रू एक्चुअली इसका फ़ायदा हम उठा रहे हैं टू रीच टू दैट पर्सन. फिजिकली हम नहीं पहुंच सकते हैं, यू नो, सरकारें काम कर रही हैं कि भाई टीचर्स भी हों और स्कूल्स भी हों, बट फिर भी बड़ा देश है, बड़ी जनसंख्या है, तो हम ये बहुत हेल्प कर रहा है हमको कि हम हैं यहाँ पर और हमने अपना आइडिया और अपनी यू नो एजुकेशन वहाँ तक पहुँचा दी जहाँ हम फिजिकली नहीं जा सकते. कितने लोगों के पास जाएंगे यार. हाँ, एंड इसी के साथ विजय जी, कहीं ना कहीं बात की जाए कि जिस तरीके से आपको मालूम है टेक्नोलॉजी जो है बहुत आगे तक पहुँच गई है, जो आगे तक बच्चों तक मिल रही है, आपको ये लगता है कहीं ना कहीं बच्चे इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं अपना बचपन खो रहे हैं? ये यार ये अलग बहस का मुद्दा है, ये अलग बहस का मुद्दा है कि वो ये अलग बात हो गई. अभी तो हम इस टेक्नोलॉजी को उसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं कि बाकी सब गेम खेल रहे हैं लोग, यू नो पबजी चल रहा है और जो लोग उसमें बिजी हैं बस दे आर जस्ट यू नो, कम से कम इसके थ्रू हम उसको एजुकेट कर रहे हैं. वो एक अलग बहस है कि टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो फिर वहाँ बात वहाँ चली जाती है. तो वहाँ मेरे ख्याल से अभी हम बात नहीं कर सकते उस बारे में, चूँकि हम ऑलरेडी उस समय में जी रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है वो यू नो उसने ओवर पावर किया हुआ है आपको. एंड इसी के साथ में सर बात करिए तो आपके चाहे गली बॉय हो चाहे ड्रीम गर्ल हो, दोनों ही बड़ी हिट रही है. इसके बाद में सर व्हाट्स नेक्स्ट, क्या आने वाला है आपका? पिक्चर पिक्चर की छोड़ो, अभी पिक्चर पिक्चर जब आएगी तब बात करेंगे आपसे. एंड कुछ दिन पहले आप संजय जी से ही मिले, संजय लीला भंसाली जी से ही मिले, उस बारे में बताइए क्या बात हुई, क्या सच है कुछ? एक फिल्म है गंगूबाई, तो उसमें एक ऐसी छोटा सा पार्ट है. फिल्मों की बात ना करो यार, ठीक है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू.